तो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई तो जिस से यार मेरे राउटर यूपीएस वाली वीडियो में काफी सारे अभी भी कमेंट्स आ रहे हैं कि यार ऐसा कोई यूपीएस बताओ राउटर के लिए जो कि यार सस्ता भी हो और बैकअप भी अच्छी हो। तो वैसा ही यूपीएस राउटर आज लेकर आए हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डू हमारा ये राउटर हम लोग लेके आते हैं। बेसिकली काल कुरियर की एक नई कुरियर आई है, उस बैग पे यहाँ पे सारा कुछ मेरा आया हुआ है। तो इसको बेसिकली मैं पहले ही यहाँ से ओपन कर चुका हूँ इसलिए कि यार पहली बार मैंने इस कुरियर सर्विस से ये चीज़ दी है। तो दैट्स द रीज़न मुझे चेक करना था कि अंदर जो मंगवाया है वही है, तो वही चीज़ थी। तो इसको हम सिंपली यहाँ से निकाल लेते हैं बाहर। तो ये हमारा कुछ इस तरह से पैकिंग में आया था, ठीक है, इस तरह से पैकिंग। फिर यहाँ से सेफ्टी के लिए एक और पैकिंग यहाँ पे इन्होंने कागज़ की थी। पर सेफ्टी क्या है ये, क्योंकि खुद ही हार्ड है, बस सेफ्टी खाली इस चीज़ की यार होती है। और साथ में हमें ये कुछ एक्स्ट्रा हमें होल्डर आगे दिए जाते हैं जो कि डिफरेंट यूपीएस में लगते हैं। तो अगर यूपीएस की हम बात करें तो ये पावर बैंक की डिफरेंट वो केसिंग्स नहीं आती, उस तरह की एक पावर बैंक की आई थिंक सो ये केसिंग है। 6 स्टार इन्होंने पावर बैंक की केसिंग्स यहाँ से यूज़ की हैं। बैक पे अगर देखें यहाँ पे उसी तरह पावर बैंक की तरह यहाँ पे सारी फिनिशिंग इसकी हुई, मेड इन एशिया। कैपेसिटी इसकी क्या है, 3000 mAh। ये जस्ट एक ऊपर से बॉडी है, अंदर इन्होंने खुद से सब कुछ बनाया हुआ है, ठीक है। इस बात पे वो नहीं होना कि यार क्या ये चीज़ है, ये लोकली मैन्युफैक्चर है पाकिस्तान की। अब बात करते हैं कि इसके ऊपर ऊपर क्या है। तो ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें चार्जिंग पोर्ट दी जाती है जहाँ से हमारी ये हम चार्ज इसको करते हैं। और दूसरी हमें यहाँ पर हमारा राउटर के लिए जो कि 12 वोल्ट राउटर के लिए इतना बड़ा ये होल्डर है वो दिया जाता है। एक चीज़ यहाँ पर मैंने अभी नोट कर ली है कि ये जो चीज़ है हमारी टेढ़ी हुई है और ये जल्द टूट जाएगी, जो कि देखना पड़ेगा यार अगली बार आपको कि ये इस चीज़ को बहुत ध्यान से आपको लगाना और ये चीज़ नाजुक भी बहुत। अगर ये चीज़ ख़राब हो गई या टूट गई इसका जो टोटली पैसा है वेस्ट हो जाना है। तो इस चीज़ को नेक्स्ट टाइम ध्यान से रखना और अगर आप क्लोजली इसको देखो तो टेढ़ी आपको दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पर हमें खाली एक जगह दी जाती है, आई थिंक सो ये USB पोर्ट की जगह जो कि इन्होंने निकाल दिया है यहाँ से। और यस आई थिंक सो USB की पोर्ट इन्होंने यहाँ से निकाल दी। अगर ज़रूरत नहीं है तो यार कोई मसले वाली बात नहीं। तो ये हमें ऑन ऑफ का बटन मिल रहा है, तो इसको ऑन करते हैं तो ये यहाँ से लाइट जल जाती है। यार अगर प्रीवियस वन को देखें और इस वाले को देखें तो काफ़ी अच्छा एक मुझे लग रहा है। पहले वाला तो बिल्कुल ही बेकार किस्म का था। पर बात वही है, 600 रुपये में भी आ रहा है और ये 2000 में आ रहा है। डिटेल कीमत में आगे बताता हूँ आपको कितने कितने में आपको मिलेगा और कहाँ से मिलेगा। कुछ ये इस तरह का हमें गिवन दिया जाता है और काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने राउटर भी रखा हुआ है, राउटर पे भी लगा के हम देखते हैं। तो कुछ और वेरिएशंस आगे दी जाती हैं जो कि डिफरेंट राउटर्स को यहाँ पर लगती हैं। तो ये हमें आजकल 9 वोल्ट का TP-Link का राउटर नहीं होता उसको ये वाली स्लॉट लगती है। तो सिंपल आप इसको यहाँ से इसको अटैच करें, अगर आपके पास दूसरा वाला है आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर आगे से पर ये दोनों एक जैसे ही हैं तो ये एक्स्ट्रा फिर यहाँ से मुझे क्यों दिया गया है, तो इसको आप सिंपली यहाँ से एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। तो चलो अच्छी बात है, एक्स्ट्रा जितनी चीज़ें तो ये साइड पर करते हैं। और यहाँ पर अब हम लोग अपना राउटर लाते हैं जो कि हुआवे का राउटर है, 12 वोल्ट 2 एम्पेयर्स यहाँ पे हमें गिवन दिया जाता है। तो ये फाइबर के लिए यार यूज़ किए जाते हैं राउटर। तो सिंपल हम इसको लगाते हैं और देखते हैं कि क्या ये उठाता है या नहीं उठाता। इसको यहाँ पर लगाते हैं एंड ये ऑफ ही रहेगा। ये बटन काम करता है बिल्कुल। और जैसे इसको हम ऑन करेंगे तो हमारी लाइट भी यहाँ पर ऑन हो चुकी है। अब यहाँ से हमें पता कैसे चलेगा कि ये इसको उठा रहा है नहीं उठा रहा। यहाँ पर क्योंकि इंटरनेट जब होता है तो यहाँ पर येलो लाइट आ जाती है। अब अगर इंटरनेट नहीं है तो मतलब यहाँ पर रेड लाइट पर ब्लिंक करेगी एंड साथ में एक और येलो आएगी जो कि इंटरनेट का एक आपको बताती है प्रोवाइडर की यार आ भी रहा है नहीं आ रही। हुआवे के राउटर्स और ये फाइबर के जितने भी राउटर्स हैं ना यार ये बहुत स्लो ऑन होते हैं। 2 मिनट तो सही से चलने चलने ये लगा देते हैं चलते चलते। तो पता नहीं क्यों ये इतना टाइम लगाते, 2 मिनट पक्का इनका टाइम है। अगर आपने ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन यार 1 मिनट से तजावज़ भी कर जाता है ये जो हमारा राउटर है। तो ये रेड लाइट हमारी यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर येलो लाइट भी यहाँ पर कहीं आनी चाहिए, यहाँ पर मोस्टली आती है रेड लाइट, मतलब हमारा इंटरनेट यहाँ पर है ही नहीं। तो यहाँ पर हमारी ये येलो लाइट ऑन हो चुकी है जिसका मतलब ये है कि हमारा जो UPS है ये 100% वर्क कर रहा है। तो 12 वोल्ट है और
कीमत इसकी जो है 2000 के आसपास है, आसपास मतलब इस तरह से अगर जस्ट आप ये राउटर यूपीएस बाय करते हो तो 1900 के आसपास है, अगर आप 1850 के आसपास है, अगर आप साथ में चार्जर भी बाय करते हो जो कि 12 वोल्ट का है इसको चार्ज करने के लिए, तो वो चार्जर जो है 150-200 के आसपास इसके साथ गिवन दिया जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर यार आपको इसका चार्जर बाय करना चाहिए, क्योंकि हमें जो इस राउटर के साथ यूपीएस राउटर के साथ जो चार्जर दिया जाता है 12 वोल्ट का, वही आप इसको लगाओ और सिंपल से यहाँ से आगे इसको लगा सकते हो, तो डायरेक्टली जैसे ही लाइट जाए बैकअप इसका बना होगा तो ये वहाँ से चल जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यूपीएस को राउटर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट ना करो, जब लाइट जाए तब इसको आप यूपी राउटर पे लगा सकते हो और फिर आप अपना इंटरनेट चला सकते हो, दूसरी बात यह है। और एक और बात ये यहाँ पर आती है कि यार आपने फिर इसको चार्ज करना पड़ेगा, जो कि उसके लिए आपको डिफरेंट चार्जर चाहिए होगा, तो अगर आप इन्हीं से बाय करते हो तो अभी आपकी मर्ज़ी है, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हो, अगर नहीं करते मार्केट से भी आपको इजीली 250 रुपये में मिल ही जाता है। डिस्क्लेमर यहाँ पे देना चाहूँगा कि यार ये वीडियो स्पॉन्सर बिल्कुल भी नहीं है, इससे पहले भी कभी स्पॉन्सर नहीं हुआ, जिससे मुझे एक और वीडियो में जो कि पीच मार्ट में वीडियोस में सबको ने यार पेड रिव्यू किसी ने भी अभी तक किसी कंपनी में कुछ भी नहीं किया, और ये भी मैं अपने खर्चे पे मंगवा के यहाँ पर आपके लिए जस्ट बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर यूपीएस चाहिए नहीं, मैंने अपने लिए पर्सनल दूसरा यूपीएस बनवा लिया था, जस्ट आपको रिव्यू करने के लिए ये चीज़ मैं यहाँ से बाई किया, और अब आप ही इस चीज़ को देख कर आगे बाय करेंगे, ये आपके लिए है मेरे लिए नहीं है, और ये चीज़ स्पॉन्सर भी नहीं है, अपने खर्चे पे सब करूँ। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो एक और चीज़ यहाँ पे, ये जो भाई साहब हैं AZI इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ही भाई साहब हैं जो दराज से मैंने पिछला अपना UPS जो परचेज़ किया था, इनसे मेरी बात हुई है और ये बोलते हैं यार AZI वाला जो है वो भी हमारा ही UPS है, तो लेट्स सी कि यार ये जो UPS है वाकई ही मेरे लिए स्पेसिफिक बनाया गया है या फिर आप लोगों को भी ये चीज़ दी जाएगी, तो ये माइंड में आप रखिएगा। इसकी बॉडी वगैरह और फिनिशिंग सब देखने काफ़ी अच्छी है, तो जो भी ये बाय करेगा ठीक है वीडियो देखकर, तो यार मुझे इंस्टा पे DM करके पिक्चर ज़रूर भेजिएगा कि सेम ये चीज़ आपको मेरे जो सब्सक्राइबर्स उन्हें ये चीज़ मिलती है, ये जस्ट मेरे लिए स्पेसिफिक इन्होंने बना के भेजी है, क्योंकि मेरे उससे बात भी की है कि यार मैं इसका रिव्यू करने वाला हूँ चार्जर, क्योंकि मैंने इसे बाय नहीं किया, इसलिए 1900 का ये चीज़ मुझे पड़ी है UPS। और अभी बैकअप की बात करते हैं ठीक है कि इसने कितना बैकअप देगा, जो कंपनी है इसकी वो यहाँ पर कहती है कि मिनिमम 3 hours और मैक्सिमम 5 hours 4 hours गिवन देती है। तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि मैंने इसको टेस्ट आउट करना है कि कितना टाइम एग्जैक्ट ये जो है हमें मतलब कि UPS जो है वो बैकअप प्रोवाइड करता है राउटर के लिए, एक और वीडियो बनाएंगे अगर ये बैकअप प्रोवाइड नहीं करता, फिर से इसका पोस्टमार्टम करेंगे अंदर से और देखेंगे कि यार इसके अंदर वाकई ही 4-5 सेल जो कि जिस उन्होंने बताया था कि पड़े हुए भी हैं या नहीं। मेरे ख्याल से यार इसको 3 घंटे भी अगर ये हमें बैकअप प्रोवाइड करते हैं ना 1900 में, तो यार ये सोने पे सुहागा रहेगा। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही इसके मैं लेकर आऊँगा, या फिर वीडियो होगी या फिर मैं एक शॉर्ट बना दूंगा अगर मुझे जस्ट टाइम ही बताना हुआ, जो भी हुआ मैं जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा कि हमें एक डिटेल्ड बैकअप मिल जाए। अगर मैं डायरेक्टली अभी ही इसका वो एक रिव्यू के लिए जल्दी जल्दी अगर मैं इसको टेस्ट आउट करता तो कुछ चीज़ें रह जाती, जिसकी वजह से फिर हमारी जो वीडियो है ये भी सही ना बन पाती, इसलिए अभी इसका जस्ट रिव्यू और जो बैकअप इसका 3 hours to 5 hours कंपनी इसका कह रही है कि हम प्रोवाइड करते हैं, ये UPS जो है वो प्रोवाइड करती है, इसको मैं डिटेल इन डेप्थ पर्सनल चेक करूंगा और विद इन 1-2 days में इसकी एक प्रॉपर वीडियो बना के पेश कर दूंगा, ताकि आप इसको जाके देख सकें या बाय कर सकें। तो होप सो आपको ये वाली वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो खुश रहिए आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टेक केयर, गुड बाय।